अयोध्या के विकास के लिए राज्य सरकार अयोध्या में कई योजनाएं चला रही है। उसी कड़ी में फैजाबाद शहर के सादतगंज से अयोध्या धाम के नया घाट तक लगभग 13 किलोमीटर रामपथ का निर्माण हो रहा है। इस सड़क को चौड़ी की जा रही है ताकि आने वाले श्रद्धालु सुगमता पूर्वक अयोध्या धाम मंदिर तक पहुंच सके। इस चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी उचित मुआवजा न मिलने को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि नियामा से रिकाबगंज के बीच व्यापारियों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मामले को एआरओ राम कुमार शुक्ला के संज्ञान में लाया गया है। वे व्यापारियों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। दरअसल नजूल की भूमि पर बने घर व दुकान को लेकर असमंजस की स्थिति है, जिसमें नजूल का पर्चा सुधा की जमीन पर केवल भवन निर्माण का ही मुआवजा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन नजूल की पर्चा सुधा व पट्टा सुधा जमीन को सरकारी जमीन मानता है, इसलिए केवल भवन का ही मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। लोगों ने ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के सही समय मांगा था, पर वो आज उपलब्ध नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें कि हम लोगों ने ये मांग करी है कि जो भी चौड़ीकरण की बात हो रही है हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर उसके संदर्भ में जो हमारी बिल्डिंगें हमारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं उससे जुड़ा हुआ जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत ही नाकाफ़ी है, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, और उसी को लेकर के हम उनसे विस्तृत से विचार करना चाहते हैं। क्योंकि जो जिलाधिकारी के महातहत अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं, कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं, वो हमको सिर्फ धमका करके बात करना चाहते हैं कि ये तो आपको करना पड़ेगा। हम ये कहना जानना चाहते हैं कि हमें क्यों करना पड़ेगा, जब तक हमारी सहमति नहीं होगी तब तक क्यों करना पड़ेगा। आप हमको उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का और योगी जी का, और हमको मुआवजा भी ना मिले। हम अपने घर को विस्थापित कर लें, हम अपने परिवार को विस्थापित कर लें, अपने व्यापार को तोड़ डालें, और हमको पूरा पैसा भी ना मिले। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिसका भी घर लगभग 100 स्क्वायर फीट का है और उसकी 5 फीट ज़मीन ली जा रही है, तो यानी कि उसकी 100 स्क्वायर फीट की छत टूट रही है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से तोड़ा गया और किनारे से काट दिया गया, उसकी तो पूरी छत ही चली जाएगी, और उस आदमी को मुआवजा मिल रहा है 65,000 रुपये। क्या आपको लगता है आज की महंगाई के युग में 65,000 रुपये का वो छत भी बनवा पाएगा? क्या ये मुआवजा न्याय संगत है? मुझे तो नहीं लगता कोई भी न्याय संगत है। और यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं सिर्फ इसी न्याय को ही मांगने आए हुए हैं, हम कोई नाजायज़ मांग मांगने नहीं आए हैं, हम चौड़ीकरण का विरोध करने नहीं आए हैं, जो कि किसी भी तरीके से नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी बातों को ये कहने आए हैं कि हमको न्याय तो मिले, हमको मुआवजा तो मिले। हमने पहले भी कहा आप हमें 1 महीने का टाइम देंगे, हम 20 दिन में सही करके दे देंगे, अपनी छत काट के दे देंगे, लेकिन हमें उतना पैसा तो मिले, हम मजदूरों को तो दे पाएँ, सरिया और मिट्टी तो खरीद पाएँ। ये कहाँ से न्याय संगत है कि आप हमसे 200 स्क्वायर फीट ले लें और 50,000 रुपये दे दें? सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आपने ज्ञापन सौंपा, उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो हमसे ये कहा कि हम इसके बारे में डीएम साहब से बात करेंगे, विचार करेंगे, और एक शुक्ला जी हैं उनसे उन्होंने कहा है कि आप बैठ कर इनसे बात करिए, वो आपको बिंदुवार सभी चीज़ों के बच्चे जानकारी देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे अभी 12 बजे तक, जिससे कि उनसे मिल करके ही जाएँ। जब हमने अपना व्यापार छोड़ा हुआ है तो 12 बजे तक और सही। रामपथ के सड़क चौड़ीकरण को लेकर के व्यापारी संगठनों ने आज एक ज्ञापन दिया है, उसके संबंध में बिंदुवार वो ये डिटेल जानना चाहते हैं कि किन किन स्थितियों में चौड़ीकरण में क्या हुआ कैसे हुआ, तो डिटेल डीएम साहब को भी अभी हम ज्ञापन से अवगत करा देंगे। डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र इनका जो है उसको दे देंगे, और इसकी डिटेल जानकारी के लिए राम कुमार शुक्ला जी एआरओ हैं, इनको भी बताया है कि ये एक साथ बैठ के डिसाइड कर लें, और पहले से ही जो डिसाइडेशन हुआ है राम कुमार शुक्ला जी इनको बता भी देंगे, और बातचीत करके ही कोई भी कार्य किया जाएगा। उसके लिए ज्ञापन मिला आपको है जी? क्या सूत्री ज्ञापन है? ये 6 सूत्री ज्ञापन है, 6 बिंदुओं पे इनकी बातें हैं, उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया जाए। सर इनका मुआवजा के लेके मामला आया, क्योंकि ये चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुआवजे को बढ़ाने का। एक बार डीएम साहब के साथ डिस्कस हो जाए, इसका जो डिटेल होगा नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है।